हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। जैसे कृष्ण की अगर सबसे बड़ी भक्त थी तो वो थी मीराबाई। तो इस में मीराबाई कैसे कृष्ण की दीवानी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कृष्ण भक्ति, जो कि मीराबाई ने लिखा है, जिनका जन्म सन 1498 ईस्वी तथा इनकी मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुई थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। इनका जो विवाह है, ये महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान स्वसुर यानी ससुर का भी देहांत हो गया। पहले इन्होंने अपने पति को खोया, फिर पिता को, फिर उसके बाद अपने ससुर को। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण की भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण की भक्ति में और साधु संतों के साथ में सत्संग में बिताना शुरू कर दिया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। अब वो गृह त्याग कर दिया था, उन्होंने घर त्याग दिया था। जीवन से वो निराश हो गई थी, क्योंकि पहले उसने अपने पति को खोया, फिर पिता को खोया, फिर युद्ध के दौरान अपने ससुर को भी खो दिया। तो ये अपना ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण की भक्ति में बिताने लगी। अपने घर को, अपने जीवन से निराश होकर इन्होंने त्याग दिया। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। इनका स्वर्गवास, इनका देहांत द्वारका में हुआ था। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की भक्ति है, मधुरता की भक्ति है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। दास्य मतलब, दास्य का मतलब होता है एक दिखाना अपने कृष्ण की भक्ति, अपने निष्ठा को, अपने प्रेम को। कभी कभी कृष्ण को लेकर ये थोड़ा मतलबी भी हो जाती हैं। तो कई तरह की छाया उसमें देखने को मिलती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। जो मीरा के द्वारा जो गीत गाए गए हैं, वो कृष्ण को लेकर, वो हम लोग सुनते ही आए हैं कि कैसे वो पूरे विश्व में भी फेमस है। और एक हमारे भारतीय साहित्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निधि या खजाना है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। हम लोग तो जानते ही हैं कि मीरा की जो भक्ति है कृष्ण को लेकर, वो हर जगह फेमस है, प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। उन्होंने हिंदी में भी लेख लिखा और
गुजराती में भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। 7-8 कृतियां यानी 7-8 लिखी गई पद्य बोल लीजिए या कविताएं बोल लीजिए, उनकी रचनाएं। ये जो मीरा है ये रैदास की शिष्य थी, उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। इनकी जो रचनाएं हैं वो मीरा पदावली से उपलब्ध हैं। आज प्रथम पद में, पहले पद में हम क्या पढ़ेंगे, कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का सटीक चित्रण किया गया है कि वो कृष्ण के आने का इंतजार करती है पर कृष्ण नहीं आते हैं, तो इस चीज से वो कैसे व्याकुल हो रही हैं उसके बारे में दिया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी होती है। जब वो कृष्ण से मिलना चाहती है लेकिन वो कृष्ण से नहीं मिल पाती है, तो इस चीज के कारण वो बहुत ही व्याकुल हो जाती है। दूसरे पद में हम देखेंगे, दूसरे पद में कृष्ण ने गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं, तो इसी अवसर पर मीरा जी ने बहुत ही मनोहारी रूप से इसका वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं पदों के द्वारा। हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति, नीति औलूरी आवे। राम हमारे हैं हम राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। आवण कह गए अजहु न आए, जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावई। चरण कवल की लगनी लगी नीत, बिन दर्शन दुख पावई। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरण्यु न जावई। इसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पद में, पहले प्रथम पद में कृष्ण का मीरा इंतजार करती है आने का, लेकिन वो नहीं आते हैं, कैसे वो व्याकुल हो जाती है इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। हरि, हरि मतलब भगवान कृष्ण, बिना कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं सुहाता है। सुहावे मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। परम स्नेही, परम मतलब कृष्ण उनको अत्यंत प्रिय हैं। स्नेही मतलब स्नेह करने वाले हैं। राम की नीति औलूरी आवे, औलूरी मतलब माफिक, नीति मतलब नित्य, आवई मतलब आती हैं। तो मीरा जो है वो अपने आराध्य देव हरि, जो कि कृष्ण है, से अलग हो जाने पर, से मिलने नहीं पाने पर वो बहुत ही व्याकुल हो जाती है। वे कहती है कि उनको कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। राम हमारे हैं हम राम के, वो कहती है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ, मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हरि बिन कछु न सुहावे, हरि यानी भगवान के बिन कुछ भी नहीं सुहाता है। आवण कह गए अजहु न आए, आवण आने के लिए कहा था अजहु, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। जीवड़ा अति उकलावे, जीवड़ा यानी जो उनका हृदय है वो बहुत ही बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। तुम्हारे दर्शन की आस है, आशा है, तुम कब तक मुझे अपने दर्शन दोगे। चरण कवल की लगनी लगीनित, बिन दर्शन दुख पावे। उनको कृष्ण के आने का इंतजार है लेकिन
फिर भी कृष्ण नहीं आते हैं तो उनको बहुत ही दुख होता है। मीरा को प्रभु दर्शन दी दो, आनंद बढ़नो न जावे। मीरा बोलती है कि आपका दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद मिलता है, मुझे जो खुशी मिलती है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि कृष्ण के आने का इंतजार करती है मीरा, लेकिन कृष्ण नहीं आते हैं, इसीलिए वो व्याकुल हो जाती है। कृष्ण उनको अत्यंत प्रिय हैं। वे कहती है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ, मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे दर्शन देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने दर्शन मुझे नहीं दिए हैं, इसीलिए मेरा मन, मेरा हृदय और भी व्याकुल हो जा रहा है। मुझे उनके दर्शन की आशा है, प्रतीक्षा है, कब वो दर्शन देंगे इसी चीज में वो व्याकुल हो रही हैं। उनके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त हो गया है, खो गया है, और दर्शन नहीं पाने के कारण वो दुखी हो रही हैं। तो उनको बस एक ही आशा है कि प्रभु उनको दर्शन कब देंगे, और उनके दर्शन पाने के लिए वो बहुत ही व्याकुल है, और उनके जब दर्शन होंगे वो बहुत ही आनंदित हो जाएगी, जिसका वर्णन वो नहीं कर सकती। तो फर्स्ट पद में इस तरीके से समझाया गया है। अब सेकंड पद को, दूसरे पद को हम देखते हैं, जिसमें कृष्ण का गोपियों के साथ होली खेलने का एक मनोहारी सुंदर वर्णन किया गया है। होरी खेलत है गिरधारी, गिरधारी यानी कृष्ण, मुरली चंग बजत डब न्यारो, संग जुवती ब्रजनारी। मुरली बांसुरी जो कृष्ण अक्सर बजाया करते हैं। चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुठी गुलाल लाल चहु, देत सबन पे डारी, छैल छबीले नवल कान संग, श्यामा प्राण पियारी, गावत चार धमार राग, तह दय दय कल कर तारी, फागु जू खेलत रसिक, सांवरी बाड्यो रज ब्रज भारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। तो इसमें मीरा कृष्ण के होली खेलने का, जो कि वो ब्रज में खेल रहे हैं, गोपियों के साथ खेल रहे हैं, उनका वर्णन करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण है वो होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर क्या क्या बज रहा, मुरली चंग और डब, ये सब अनोखे वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं होली खेलने के दौरान। उसके बाद जो युवा नारियां हैं, जो ब्रज की जो युवा नारियां हैं, वो होली खेल रही हैं, और कृष्ण अपने हाथ से चंदन केसर उठाकर मुट्ठी भर भर कर चंदन और केसर को एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं, और चारों तरफ देखने पर लाल लाल गुलाब भरकर चारों ओर सभी लोग एक दूसरे पे डाल रहे हैं, जैसे आपको होली में देखने के लिए मिलता होगा। इसमें छैल छबीले जो सुंदर कृष्ण है, वो उनके साथ में राधा भी होली खेल रही है। गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं, अगर सारे लोग एक दूसरे पे गुलाल छिड़क रहे हैं तो ये नजारा ऐसा हो रहा है जैसे लगता है कि गुलाल की भारी गर्द उड़ रही हो। भारी गर्द मतलब हर तरफ आपको गुलाल ही गुलाल देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके का नजारा ब्रज में होली खेलने के दौरान बन रहा है, जो हमारे मन को अत्यंत ही मोहने वाला होता है। इसमें कहा गया रज जो धूल के समान, आप देखेंगे कि हर तरफ गुलाल फैला हुआ है। इसमें धमार राग में गीत भी गाया जा रहा है। धमार राग
ऐसा राग होता है जो होली के समय जो गीत गाया जाता है वो धमार राग होता है। करतारी, करतारी यानी ताली बजाना। लोग ताली बजा बजा कर होली खेल रहे हैं, एक दूसरे पर गुलाल उड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरे पद में मीरा ने गोपियों के साथ व्रज में कृष्ण के द्वारा खेले गए होली का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस चैप्टर में कि कैसे मीरा जो है वो कृष्ण की दीवानी है और कितना वो कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है। इसे मीरा ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।